हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के टू पॉइंट्स यानी टू प्रॉपर्टीज देख ली थी। और उन प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं और वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। दोनों प्रॉपर्टीज को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था और मे बी आपको क्लियर भी हो गया होगा। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे इसको, और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की आगे प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, यानी थर्ड प्रॉपर्टी से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो, ये बात तुम बार बार रिपीट करती जा रही हूं मैं कि जो भी रिएक्शन है किसी के साथ भी हो, चाहे वो डिपेंड किस पे करता है, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करता है। यानी जो ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो रैपिडली बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन करते हैं और बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, रैपिडली करते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्लोली रिएक्शन करते हैं, है ना, इतना ज्यादा रैपिडली रिएक्शन शो नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। तो सम मेटल्स रिएक्ट विद रैपिडली, सम मेटल्स रिएक्ट विद एंड हीटिंग के साथ, क्योंकि वो तो रैपिडली है तो तुरंत कर जाएंगे। लेकिन जो नहीं, लेस रिएक्टिव है, वो तुरंत नहीं कर पाते, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। समझ आए? कुछ ऐसे भी है जो रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो मेटल है अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। वो बनाएंगे मेटल सॉल्ट, और साथ में क्या निकलता है उसके, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो मेटल अगर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्या बन रहा है इसमें, इसके साथ बनता है मेटल सॉल्ट। प्लस हाइड्रोजन, समझ आया। इसमें अगर मेटल किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल सॉल्ट बना रहा है, साथ में हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है। और ये मैंने भी बताई दिया है कि मेटल की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड कर रही है, कौन सा ज्यादा हाईली है कौन सा नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में सोडियम मेटल की। फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है सोडियम। अब आप जानते हैं कि सोडियम जो है वो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, है ना। अगर हम इसका डाइल्यूट क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड या किसी भी एसिड से कराते हैं रिएक्शन, तो क्या होगा, तो नेचुरल कि मेटल सॉल्ट बनेगा यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो Na की रिएक्शन हमने किससे कराई, HCl से, है ना। तो क्या बना, NaCl बना, और साथ में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। ये क्या है, सॉल्ट, समझ आया। NaCl सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, यानी केमिकल नेम इसका क्या, सोडियम क्लोराइड। इसे कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, ये भी आपने एसिड बेसिक सॉल्ट में पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल, ये मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी, सोडियम मेटल वैसे भी आपको पता है कि बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तो इसलिए तुरंत क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रैपिडली रिएक्शन कर हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। क्लियर? ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो है, देखिए मैग्नीशियम आपको ये तो पता है कि मैग्नीशियम कहां बैठा हुआ है, फोर्थ नंबर पे बैठा हुआ है केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में। तो मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है किससे, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम से लेस रिएक्टिव होता है ना। तो ये जो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्लियर? ये आपको पता ही होगा कि हम यहां पर Cl2 लिया है, यहां Cl लिया है, फॉर्मूला कैसे बनते हैं वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको शुरू में समझा दिया है कि कैसे इसका रिएक्शन होता है। क्लियर? ओके, अब ये भी पता है कि लेस रिएक्टिव है ये, इसलिए जो सोडियम से ज्यादा रैपिडली रिएक्शन
नहीं करता है, सोडियम ज्यादा रैपिडली करता है, वैग्रेसरी रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम उतना नहीं करता बिकॉज दे दिस इज अ लेस रिएक्टिव मेटल। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम किस तरह से रिएक्शन करता है। एल्यूमिनियम है ना, अब तुम्हें ये भी पता है कि एल्यूमिनियम जो होता है वो मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है, तो जितनी तेजी से मैग्नीशियम रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, उतनी तेजी से एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करता, यानी लेस रिएक्टिव होने के कारण। तो एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर, इसको बैलेंस करो, देखो 2H, ये 2H हो गया, लेकिन यहाँ Cl क्या है, 3L, तो ये 3 अगर हम यहाँ लिखते हैं दोबारा, हम पहले इन दोनों को बैलेंस कर लेते हैं, 3Cl अगर हम करते हैं तो ये Cl 3 तो हो गया, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, H2, ये 2H है तो इसे 3H करना पड़ेगा। अब यहाँ 2 अगर मैं लिखती हूँ तो 2 2 4, यहाँ अगर मैं इसको 4 बनाऊँ तो Cl कितना हो जाता है, 4 है ना, तो ये Cl मुझे 4 करना पड़ेगा, ये 4 हो नहीं पाएगा, तो 3 2 6 यानी 6 होगा, तो इसलिए मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 6, और ये यहाँ कितना होगा, देखो हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 2 6, और ये 2L, तो ये हो जाएगी बैलेंस रिएक्शन। क्लियर, जिंक का भी सेम एज इट इज है, अगर हम जिंक का एग्जांपल लेते हैं तो जिंक भी क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर, इसको बैलेंस आप अपने आप करेंगे, कुछ भी तो काम आप भी करें, है ना, थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉपर की, देख सुनना मेरी बात ध्यान से बहुत, कॉपर, अब आप जानते हैं कि कॉपर जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ बैठा हुआ है, हाइड्रोजन से जस्ट नीचे बैठा हुआ है, यानी लेस रिएक्टिव है, तो ये क्या होता है, डज नॉट रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट नहीं करता, डाइल्यूट एसिड, यानी कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl कर देती हूँ यहां पर, हाइड्रोक्लोरिक लिख देती हूँ, है ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, या ऐसा नहीं, मैंने यहाँ हाइड्रोक्लोरिक लिखा है तो आप सोचे कि सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक के साथ ही नहीं करता, बाकी के साथ कर लेता है, क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक का ले रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक लिख दिया है। ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, इसका मतलब ये कि एसिड के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, है ना, और अगर आप रिएक्शन, इसकी रीजन भी आपको पता है, बिकॉज दिस इज ए लेस रिएक्टिव, ये भी आप लिख देंगे, बिकॉज लेस रिएक्टिव है ना, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करता है। तो कॉपर की अगर रिएक्शन आप शो करेंगे तो क्या आएगा रिएक्शन में, इसकी रिएक्शन में ऊपर लिख देती हूँ यहां पर, है ना, रिएक्शन अगर लिखते हैं तो कॉपर प्लस HCl, रिएक्शन क्या होगी, डू नॉट रिएक्ट, यानी रिएक्शन करता ही नहीं, समझ आ गया, ये पॉइंट्स आपको कैसे होता है, कौन कौन रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ और कौन नहीं कर रहा है ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन कैसे होती है, एक्सेट्रा, ये क्लियर हुई बातें। इसी तरह से जो आपके सिल्वर और गोल्ड है, Ag और Au, ये भी क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव है, तो ये भी क्या नहीं करते, ये भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, समझ आई बात। अच्छा एक बात और समझो कि जो मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, है ना, तो कैसे करते हैं, अब ये भी आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं मोर रिएक्टिव है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अभी हमने जो वाटर के साथ देखा था सेम एज इट इज, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, है ना, इजीली देन हाइड्रोजन, सो डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी एक्टिविटी सीरीज में देखिए आप नीचे की ओर जो ये है लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, कॉपर है, ये लोग लेस रिएक्टिव है, ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करते हैं, है ना, लूज नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए जब ये लूज नहीं करेंगे अपने उसको, तो लेस रिएक्टिव इसलिए नहीं कर पाएंगे, तो इसी कारण ये हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाते,
समझ आई बात, क्लियर हो गई किस तरह से ये रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट, अभी हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करी है ना, अब हम यहां बात करें नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, इस एसिड की बात करते हैं। तो देखिए जो नाइट्रिक एसिड होता है, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, समझ आए। अब वेरी जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, बहुत ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है, तो जब वो रिएक्ट करता है मैग्नीशियम या मैग्नीज मेटल के साथ, तो ये क्या करता है मेटल्स, तो इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब ये किसके साथ ये रिएक्शन करा है, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ HNO3, क्लियर। तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है, MgNO3 का होल 12 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकालेगा। इसका रीजन क्या होता है कि जो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है वो बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है, ये क्या होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, और इसी के कारण ये मतलब एबल नहीं होता टू ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस, समझ आए, मतलब विच इज नॉट एबल टू ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस, क्लियर। और इस तरह से क्या निकाल देता है, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है, क्लियर। मेरी बात समझ आई किस तरह से नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, क्या है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, शायद फोर्थ प्रॉपर्टी होगी है हमारी। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि मेटल की रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कराते हैं, है ना। अब ध्यान देना इस चीज पे कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो क्या करेगा, अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है और जो मेटल है मोर रिएक्टिव है, तो वो क्या कर देगा, सॉल्ट में से जो सॉल्ट के साथ मेटल चिपका हुआ है ना, उसे क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद वहां जाकर बैठ जाएगा, समझ रहे हो। दो दोस्त हैं है ना, और उनमें से एक बहुत वीक है और एक स्ट्रांग है, तो आप क्या करेंगे, वीक को ही तो हटाएंगे, समझ रहे हो, स्ट्रांग तो हटेगा नहीं। इसलिए जब भी कभी रिएक्शन मेटल होता है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो जो लेस रिएक्टिव होता है उसको हटा दिया जाता है किसके थ्रू, स्ट्रांग मेटल के साथ, यानी रिएक्टिव मेटल के साथ, क्लियर। अब इसको हम कैसे बनेगा, देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस मेटल, तो क्या बनेगा, ये बनेगा, अब देखिए इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो जो बनने वाला है, अब ये मेटल बी जो है वो कहां चिपक जाएगा, इस ए की जगह पे, जो मेटल ए यहां था उसकी जगह पे, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बी, समझ रहे हो। और साथ में क्या निकल जाएगा, जो मेटल ए था वो बाहर हो जाएगा। अब इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी समझ में आएगा आपके कि कैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, अच्छा ये भी ध्यान रखना है, ये भी डिपेंड किस पे करता है, ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करेगा, ये सारे जितने भी हैं सब इसी पूरी, मैंने इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज यहां पर बनाई हुई है ताकि आप मेटल्स को देख सके कौन रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है ना। अब हम सबसे पहले ले रहे हैं द रिएक्शन, ये एग्जाम्पल है आपका, द रिएक्शन ऑफ जिंक विद विद कॉपर। अब हमने सबसे पहले सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है CuSO4, ये हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है, जो मैंने बताया था ना सॉल्ट सॉल्यूशन ए, ये सॉल्यूशन है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई जिंक से। तो मैंने अभी बताया था कि जो मोर रिएक्टिव है, अब आप अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो जिंक यहां है और कॉपर कहां है, नीचे, तो ये लेस रिएक्टिव है।
तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, यानी बाहर निकाल देता है और खुद इसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जेड एन एसओ फोर, और साथ में क्या निकल जाएगा, ये कॉपर बाहर। एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अगर आपको ध्यान हो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और खुद जाकर वहां बैठ जाता है। और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। समझ आ गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सॉल्ट सॉल्यूशन की रिएक्शन मेटल के साथ किस तरह से होती है। अगर मान लो ये CuSO4 है आपका, यहां पर अगर ZnSO4 होता और इसकी रिएक्शन कॉपर से कराते तो क्या रिएक्शन होती, तो रिएक्शन नहीं होती। अगेन रीजन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये लेस रिएक्टिव है, तो ये मोर को कैसे हटा देगा, ये हटा ही नहीं पाएगा, और जब नहीं हटा पाएगा तो रिएक्शन भी नहीं होगी। समझ रहे हो, इस बात को क्लियर हो गई है ये आपकी, कि किस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी, है ना। अच्छा, अब इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया कॉपर सल्फेट, अब हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, देखिए हमने क्या लिया, रिएक्शन विद आयरन, ठीक है, हम आयरन की रिएक्शन करा रहे हैं, आयरन विद कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया है और इसकी रिएक्शन हमने कराई आयरन से। अब आप सबसे पहले देख लीजिए कि आयरन हाईली रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो आयरन क्या करेगा, इसको हटाएगा, बाहर निकालेगा और खुद कहाँ जाएगा, यहां पर। तो क्या बन जाएगा, FeSO4, और साथ में ये कॉपर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। समझ आया किस तरह से होती है। अब इसका रीजन क्या है, बिकॉज आयरन इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। और अगर हम उल्टा कर दें, यानी Fe को उधर ले आए, FeSO4 को, और कॉपर को उधर कर दें, तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से। क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें समझ आ गई होंगी किस तरह से होती है रिएक्शन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। अब की बार हम मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन के साथ करा रहे हैं। जब हम किसी भी मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्या बनते हैं, आयोनिक क्लोराइड्स। समझ आया, आयोनिक क्लोराइड्स क्या होते हैं। देखो जब फॉर्मेशन होता है, ये तो तुम्हें पता ही कि मेटल्स का जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है। जैसे मैंने सोडियम के बारे में आपको बताया था कि इसका 11 होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 281, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है, हटा देता है, दे देता है, किसी को डोनेट कर देता है, और जो डोनेट कर देता है वो क्या बन जाता है, आयंस बन जाता है, यानी पॉजिटिव आयन बन जाता है ना। ये टेंडेंसी किसकी होती है, मेटल्स की होती है। तो ये जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो खुद क्या बनेगा, इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज आयन, है ना। वैस क्लोरीन एटम की भी टेंडेंसी है, ये क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, तो क्लोरीन जो होता है ये क्या होता है, 17 होता है, 2, 8 और 7। अब ये 7 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखिए मैंने आपको बताया था कि आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर इसके पास 8 नहीं थे, 1 एक्स्ट्रा आ रहा था इसलिए इसे डोनेट कर दिया, इसको एक की जरूरत है। तो इस जब ये एक ले लेगा, है ना, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में। समझ आया, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और चूंकि दोनों को ही जरूरत है तो ये क्या कर लेंगे, एक क्या बना लेते हैं, आयोनिक क्लोराइड्स बना लेते हैं दोनों रिएक्ट करके। मेरी बात क्लियर हो रही है कि क्या हुआ है। तो मेटल्स फॉर्म आयोनिक क्लोराइड्स क्यों बनाते हैं, दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरीन एटम्स टू फॉर्म्स आयन। ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देखकर और क्या बनाते हैं, आयंस बना लेते हैं। तो इस तरह से मेटल क्लोराइड्स जो होते हैं वो फॉर्मेशन हो जाती है।
अब इसका हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो ज्यादा समझ में आपको आ जाएगा, है ना। जैसे हमने रिएक्शन किसकी कराई, देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम सबसे पहले, और सबसे पहले तो हमने एग्जाम्पल सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम इज अ मोर रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव है तो बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है ना। सोडियम का काम क्या है, बहुत हाईली रिएक्टिव है, तो ये हाईली रिएक्टिव है इसलिए जल्दी से क्लोरीन से रिएक्ट कर जाता है। तो सोडियम की रिएक्शन पहला आपका एग्जाम्पल है सोडियम, तो इसकी रिएक्शन अगर क्लोरीन से कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने अपना एक इसको दिया, और क्या बन गया, एक सॉल्ट, है ना, NaCl बन गया, समझ आया। और इसे हम क्या कहते हैं, आयनिक क्लोराइड कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और आयन्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ दोनों का खोलकर, कि इसके पास 11 इसके पास 17, है ना, इसको 8 एक की जरूरत है, इसको भी एक देने की जरूरत है, ये देगा ये लेगा, और दोनों क्या बन जाएंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, आयनिक क्लोराइड्स कहा जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कैल्शियम का, CA भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज में थर्ड नंबर पे है हमारी केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये जो होता है कैल्शियम, ये भी अगेन वाइग्रसली रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, क्योंकि ये भी हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, समझ रहे हो। तो ये भी क्या बनाएगा, आयनिक क्लोराइड बनाएगा, और जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। तो CA जब रिएक्शन करता है Cl2 के साथ तो क्या बनता है, CaCl2। अब यहां पर Cl2 क्यों बना, बिकॉज जो कैल्शियम होता है उसके पास कितने आयन्स होते हैं, 2 पॉजिटिव होता है ना, CA जो होता है +2 होता है, और Cl क्या होता है, नेगेटिव होता है। अभी आपको समझाया था कि ये इसके पास जाएगा, ये मतलब CA के जो दो आयन्स हैं वो Cl2 के पास, मतलब फॉर्मेशन में, फॉर्मूले के फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो ये इसके पास चले जाते हैं, तो दो इसके पास आए और इसके पास एक आएगा, तो इसलिए Cl2 बन जाता है। समझ आ रहा है यहाँ तक, क्लियर हो गई दोनों बातें कि NaCl कैसे बना और CaCl2 कैसे बना। ओके, अब अगर हम इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैग्नीशियम का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, है ना। मैग्नीशियम को जब हम क्या करते हैं, ये मैग्नीशियम हीटिंग के दौरान क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल आप आयरन का ले लीजिए, Fe+Cl2, तो क्या बनेगा, FeCl3। ये बैलेंस नहीं है, ये आपका होमवर्क है कि आप इसको बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, समझ आया। क्लियर हो रही है मेरी बातें कि रिएक्शन मेटल्स विद क्लोरीन कैसे होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लेते हैं कि रिएक्शन मेटल्स विद हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, रिएक्शन मेटल्स विद हाइड्रोजन। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझो, क्योंकि मेटल जो होता है, मेटल डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। अब क्यों नहीं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन एज अ बिहेव मेटल, क्योंकि मेटल की तरह बिहेव करता है। आपको मैंने अगर ध्यान हो रिएक्टिविटी सीरीज जब मैं एक्सप्लेन की थी तो बताया था कि जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये 1 अपना क्या करता है, किसी के साथ डोनेट करता है या शेयरिंग कर लेता है, किसी दूसरे के साथ ये शेयर कर लेता है ना, ये इसकी हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है। और जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है या शेयरिंग कर लेता है, तो देखो लूज करते वक्त ये अगेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, समझ आया। इसी तरह से मेटल्स की भी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। मेटल भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये टेंडेंसी होती है। इसलिए जो होते हैं मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। मेरी बात समझ आ गई क्यों जनरली ये रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं मेटल्स जो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ। इस क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, स्ट्रांग बच्चे कह लीजिए, कि जो क्या करेंगे, दूसरों के साथ पंगा लेने की कोशिश करते रहते हैं, है ना, चाहे वो पंगा ले या ना ले। तो सेम एज इट इज ऐसे ही हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल या हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। समझ आई मेरी बात, इनमें कौन कौन से होते हैं, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये हमारे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं, जो क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। समझ आया, मेटल हाइड्राइड्स जो होते हैं ये होते हैं हमारे आयोनिक कंपाउंड, है ना,
क्योंकि ये कब बनते हैं आयनिक कंपाउंड से, इन्हें हम क्यों कह रहे हैं ये बन कब रहे हैं, ये होते हैं हमारे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तब ये आयनिक कंपाउंड बनते हैं। ये मैंने थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले उसमें भी बात करी थी, है ना। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कैसे ये किस मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो अभी तो मैंने आपको बताया ये कि हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ करेंगे, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या लेते हैं, सोडियम, है ना। सोडियम जब किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। तो जब सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड यानी NaH। अब तुम्हें ये पता है कि देखिए आयनिक कंपाउंड है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है। देखो अब इस कंडीशन में चूंकि ये तो अपना इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, लेकिन इस कंडीशन में ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है कर रहा है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, एच माइनस में। यहां पर जो हाइड्रोजन है वो क्या बना रहा है, नेगेटिव आयन बना रहा है, और सोडियम तो है ही पॉजिटिव आयन, समझ रहे हो। इसी तरह से हम कैल्शियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैल्शियम भी अगर सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या है, कैल्शियम, और कैल्शियम भी हाईली रिएक्टिव है। जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, समझ आया। और ये भी क्या है, आयनिक हाइड्राइड, अगेन वही रीजन है। रीजन क्या है इसका भी, कि जब कैल्शियम हाइड्राइड जो होता है वो एक आयनिक कंपाउंड क्यों कर रहा है, क्योंकि कैल्शियम क्या है, Ca जो इसके पास जो आयन होते हैं वो कितने होते हैं, दो, है ना। इसके पास जो दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, ये निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है, इसलिए इसके पास टू पॉजिटिव बन जाता है, और जो हाइड्रोजन है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, समझ आया। और इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, आयनिक कंपाउंड। तो ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स की खत्म होती है। आपको मे भी क्लियर हो गई होंगी कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस किस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं मेटल्स, है ना। अब इससे आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ओके।